गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई वांट टू टीच यू अबाउट फोर्स एक्टिंग एट करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड. देयर इज फोर्स एक्टिंग एट करंट कैरिंग कंडक्टर placed in magnetic field. अच्छा, ये मैग्नेट है. इस मैग्नेट को आप देखें, ये मैग्नेट आपका नॉर्थ साउथ की मैग्नेटिक फील्ड यहां को होगी आपकी. ये भी है, यहां एक धातु की प्लेट है जिसको हम बैटरी के निगेटिव सिरे से कनेक्ट किए हुए हैं. बैटरी के पॉजिटिव सिरे से क्यू लगा हुआ है और यहां एक कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर. यहां इसको हमने लटकाया हुआ है, यहां भी आधार हमने किया हुआ है. अब देखो, जब हम इसमें करंट फ्लो कराते हैं तो ये देखते हैं कि ये जो कंडक्टर है यहां से सकाता है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ आता है. हमने ये डायरेक्शन दिखाया, लेकिन दिस डायरेक्शन इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, ये ऊपर की तरफ आता है. अच्छा, अब इसको अगर हम पॉजिटिव से जोड़ देते हैं, इसको नेगेटिव से जोड़ देते हैं, तो ये नीचे की तरफ जाने लगता है. जैसे ही इसको छोड़ेगा, करंट का संपर्क इससे टूट जाएगा, क्योंकि ये इससे इसका संपर्क टूटेगा, कोई करंट इससे करंट का संपर्क टूट जाएगा और इसमें कोई करंट नहीं फ्लो करेगा. उस कंडीशन में हम फिर देखते हैं कि फिर यह इधर आने लगता है और फिर इस डिस्क को ये टच करता है. डिस्क को टच करेगा, पुनः इसमें करंट फ्लो होगी और ये फिर भाग जाता है. इसका मतलब जब इस वायर में करंट फ्लो कर रहे तो इसमें फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, और जब करंट नहीं फ्लो कर रही तो इसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है. मतलब क्या हुआ कि अगर इस मैंने कंडक्टर में करंट फ्लो कर रही है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो इसमें इस मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लग रहा है और उस फोर्स की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन है, ऊपर की तरफ लग रहा है, क्योंकि वायर में ऐसे भाग रहा है ऊपर की तरफ ऐसे. तो अब ये फोर्स लगता कितना है, ये निश्चित है. फोर्स एक्ट इन मैग्नेटिक फील्ड एट करंट कैरिंग कंडक्टर होता है आई बी एल और साइन थीटा भी इसके साथ लेते हैं. इस थीटा को आप हटा दो और ये आपके लिए आप आई बी एल याद रखो. तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू आई, मीन्स करेंट जितनी ज्यादा होगी कंडक्टर में फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा. इज प्रोपोर्शनल टू बी, मैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा होगी फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा. मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और एल लेंथ ऑफ कंडक्टर, यहीं से हम लोग डी की जो यूनिट है न्यूटन पर एम्पीयर मीटर, यहीं से हम लोग देखते हैं बी पर एफ बाई आई इन एल, एफ न्यूटन, आई एम्पीयर और एल मीटर. तो यहीं से हम यूनिट देते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी न्यूटन पर एम्पीयर मीटर. आपने पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की एक यूनिट होती है न्यूटन पर एम्पीयर मीटर.
तो वही यूनिट है यहां से जो हम लोग निकालेंगे। फिर से आप देखो बच्चों, यहाँ एक मेटल डिस्क है जिसके दूसरे तरफ सिरे को हमने कनेक्ट कर लिया है बैटरी के नेगेटिव से, पॉजिटिव को की से होते हुए एक कंडक्टर हमने लिया और जिस कंडक्टर का दूसरा सिरा इस डिस्क को टच कर रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है। अब जो ये की ऑन करते हैं इस कंडक्टर में करेंट फ्लो करती है, करंट वो करते हुए देखा देखते ही करंट ये जो कंडक्टर है ऊपर की तरफ आ जाता है, ऊपर की तरफ खिसक जाता है, डिस्क को छोड़ देता है। जो ये डिस्क को छोड़ेगा क्योंकि इसमें करंट आपकी जीरो हो जाएगी। जब करंट जीरो हो जाएगी उस कंडीशन में फिर ये क्या करता है, फिर ये नीचे जाता है डिस्क को टच करता है, फिर वही काम होता है, इसमें करेंट फ्लो होती है, ये फिर ऊपर की तरफ आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब इस पे हम जब ये कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहे हैं तो इसका फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन। दिस फोर्स इज मैग्नेटिक फोर्स विच एक्ट्स एट करंट कैरिंग कंडक्टर। इससे क्लियर होता है कि फोर्स इज एक्टिंग एट करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। अब उसकी अमाउंट क्या है, कितना फोर्स लग रहा है, तो अब देखो इसके लिए एक चीज याद याद रखो, यस इक्वल आई बी एल साइन थीटा। यहां एफ इज प्रोपोर्शनल टू आई, जो फोर्स होता है इसमें प्रवाहित होने वाली जो करंट की इंटेंसिटी है उसके प्रोपोर्शनल होता है। ज्यादा करंट फ्लो कराएंगे तो ज्यादा फोर्स लगेगा, कम करंट फ्लो कराएंगे कम फोर्स लगेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जितना ज्यादा होगी, मैग्नेटिक फील्ड जितना स्ट्रांग होगी ये फोर्स उतना ही ज्यादा होगी। एंड आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, कंडक्टर की लेंथ जितना ज्यादा होगी ये फोर्स उतना ही ज्यादा वर्क करता है। तो ये रहा फोर्स एक्टिंग एट करेंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। स्टूडेंट इसके बाद वी हैव टू स्टडी अबाउट लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है क्या, अगर हम अपने लेफ्ट हैंड को इफ वी स्ट्रेच द थंब फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर ऑफ आवर लेफ्ट हैंड सच दैट मिडल फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, फोर फिंगर डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड देन थंब डायरेक्शन ऑफ थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग एट कंडक्टर। हमने कहा कि ये कंडक्टर ऊपर की तरफ जाएगा। आप यहां देखो करेंट ऐसे डाउनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो फोर्स किधर करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो टुमारो वी विल स्पीक अबाउट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फॉर टुडे थैंक यू, हैव अ नाइस डे।